हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक इन माय चैनल महाजन आर्ट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने MS धोनी सर का ड्राइंग। तो इस वीडियो में तो हम आउटलाइन करेंगे, तो रेफरेंस फोटो है जो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद ग्रिड। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आई सी स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आई सी स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे ग्रिड मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। आप किस तरह से मैं कर रहा हूँ, आपको बस ग्रिड में से ऑब्जर्व करना है कि कौन सी ग्रिड पे किस तरह के आईज बन रही है, आईज स्मॉल है बड़ी है। शेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं जल्दी ले आऊंगा। मैं 2 से 3 दिन में ड्राइंग कंप्लीट कर दूंगा। हफ्ता में एक ड्राइंग को लगा देता हूँ, तो कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी डाल दूँ, क्योंकि मेरे स्कूल जो है वो भी अभी स्टार्ट होने वाला, तो फिर टाइम तो मुश्किल नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करके डालते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। अब मैं गाइस आउटलाइन की पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैं अपने किसी लिए आउटलाइन यूज करता हूँ और किसी ब्रांड की पेंसिल का यूज फिलहाल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आउटलाइन की जो पेंसिल है ना वो बेस्ट लगती है एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड। तब मैं एक और वीडियो डालूंगा अपने आर्ट मटेरियल्स के ऊपर, जो कि आपको थोड़े ही दिन में मिल जाएगी देखने को। मैं अपने लिए कुछ आर्ट मटेरियल्स लेने जाऊंगा उस टाइम पर आपके लिए। फोटो गाइस नहीं मिलती, तो इसलिए मैं तो मैंने उनकी के चैलेंज से यहाँ पे रेफरेंस फोटो ली थी, तो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करूँगा। बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है गाइस, वो बहुत ही अच्छा आर्ट बनाते हैं वो। तो गाइस यहाँ पे आपको टीथ बना लेने हैं, आपको स्ट्रेट हमारा जो फेस की डिटेलिंग थी वो तो कम्प्लीट हो गया। हम यहाँ पे आउटलाइन कर लेंगे, स्ट्रक्चर होता है बाहर का, बहुत लाइज में ट्यूटोरियल वीडियो कर रहा हूँ। कल मैं शेडिंग फेस शेडिंग वीडियो कर दूंगा, देन उसके बाद हम लास्ट फाइनल बार इसका कंप्लीट करके 3 दिन में ड्राइंग हम कंप्लीट कर देंगे। देन उसके बाद आप कमेंट जरूर करना मैं कौन सा जल्दी जल्दी बोलते जाऊँगे ना, तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा आपके ये जो आपको करना चाहिए। हमने फेस तो मैच कर ही दिया, अच्छा आउटलाइन हमारी बन गई है। तो क्योंकि गाइस रियल टाइम वीडियो तो गाइस हम नहीं डाल सकते, क्योंकि रियल टाइम
चला जाता है। तो बस आप देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो, तो आप स्लो भी कर सकते हो यूट्यूब से, यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो बस हमारी गाइस आउट टाइम जो मैक्सिमम कंप्लीट हो गई, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। सामने लाइट थी तो एक लाइट है, उसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो किसी और कमरे में जा नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट गई हुई है, इसलिए इसी कमरे में बैठ के मुझे ट्राई करनी पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट टाइम के लिए।